अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। ये जी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं बच्चों को स्कूल के लिए उठा रही थी। हाँ, धूप निकली हुई है जी, देखिए इतनी साफ धूप नहीं है। अभी बादल बादल वाली धुंध वाली धूप होती है ना, वो है। तो कपड़े धोए थे, मेरे डाल दिए ड्रेसिंग पे। ये जी घर का कुछ सामान थोड़ा सा लाना था, तो ये हमारे पास स्टोर है, मोबीन स्टोर है। तो जी उनकी शॉप में जाके व्लॉग बनाने लग गई, तो वही परेशान हो गए, क्या आप टिकटॉक बना रही हैं? मैंने कहा नहीं, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, मेरा चैनल है। तो उन भाई का भी चैनल है, तो उन्होंने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ। तो ये जी हमारे पास ये सेंटर है, वो भी सेंटर के नाम पे है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी इधर होती है, मिल जाती है, दूर बाज़ार में नहीं जाना पड़ता। तो ये उनके छोटे भाई छुप रहे थे, ये आप ही कौन सी वीडियो बना रही हैं? समोसा ओ ओ ओ ये जैसे होते हैं ना, बट बहुत ही मज़ा। आज आप क्या खा रहे हो? आपको मज़ा आता है? जी आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो उसके लिए हम एक पैन लूंगी, चूल्हा जलाएंगे। तो जी ये गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। बच्चों की फरमाइश थी कि आज हम गाजर का हलवा बना दें, तो मैंने कहा चलो जी झटपट से तैयार कर देती हूँ गाजर का हलवा। सबसे पहले मैं लूंगी घी, उसमें
मैं डालूंगी इसमें जी जो मेरे पास है जी सब्ज इलायची 3 से 4 अदर, उसको थोड़ा सा सोते करेंगे, आँच हल्की करेंगे, तो इसमें मैं डाल दूँगी मिट्टी, इसमें डालना गाजरें, जब इनका पानी खुश हो जाएगा तब मैं इसमें दूध डाल दूंगी और जो चीनी होती है वो एंड में डाल दूंगी। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो गाजर थी तो उसको मैंने कद्दूकस कर दिया था। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे ढक दूंगी। ये हम ढक्कन उठा के देख लेते हैं, ये जो पानी है काफी हद तक खुश्क हो गया। जी ये जो मेरे पास है दूध वगैरह तो ये दूध में डाल देती हूँ। तकरीबन मेरे पास 1 किलो दूध है। ये बादाम और खोपरा और बेरे ये मैंने काट के रखे थे। क्या करें अब जी, मैं इधर गोभी चिकन बनाने लग गई हूँ। हलवा ये दूसरे चूल्हे पे रख दिया क्योंकि मेरा किचन जो है वो छोटा सा है, तो बाहर रख देंगे एक ही जगह जहाँ मैं ये शिफ्ट कर लेती हूँ, कभी उठा लेती हूँ। सब्ज़ लहसुन और प्याज इसको करेंगे थोड़ा सा सोते, पानी इसका हो रहा है खुश्क। ये दूध भी जो है इसको भी अच्छे से खुश्क करना है। ये साथ के साथ हमने मिलाई जो है उतारते जाएंगे। इसकी खुशबू जो है ना जब गाजरों में दूध कदरे खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, तब मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि इसी टाइम पे आपको जो है मीठे का पता चलता है, क्योंकि ये पहले चीनी नहीं डाल, मीठा नहीं डालना चाहिए, हैंड में डालना चाहिए। तो इसको टेस्ट को ज़रा बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच नमक भी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैं मीठे में नमक लाजमी डालती हूँ कि बैलेंस जो है उसका ठीक अच्छा हो जाता है, बैलेंस बराबर हो जाता है, टेस्ट में मज़ा डबल हो जाता है। तो इसलिए जी मैं थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच नमक भी डालूंगी इसमें। ये जान लें अच्छा
ये देखिए इसका पानी जो खुश्क होने वाला है। अब मैं क्या करूँगी, पानी नहीं है दूध है जी, फिर मैं पानी दे देती हूँ। मेरे पास अब ड्राई मिल्क है, तो मैं अभी थोड़ी देर में ड्राई मिल्क, खुश्क दूध और घी डालकर इसको अच्छे से भून लूँगी। कल हमने बनाया था दूध का हलवा, तो आज बना रही हूँ गाजर का हलवा। खाना भी बना रही हूँ। ये मैंने इसमें पानी नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसमें दूध डाला है, क्योंकि मैंने पहले किया था छोटी इलायची को सौते किया था घी में थोड़ा सा, तो उसके बाद में मैंने ये गाजरें डाल दी, कद्दूकस की हुई गाजरें डाल दी, तो उसको मैंने ढक दिया था 10 मिनट के लिए कि उसका जो गाजरों का अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। जब वो पानी खुश्क हो गया तो मेरे पास 1 किलो दूध था मलाई सुरेख, वो मैंने इसमें डाल दिया और जो है उसको अब खुश्क कर रही हूँ। ये थोड़ा सा जब रह गया, थोड़ा सा दूध इसमें रह गया, तो मैंने ये जो मेरे पास गरी बादाम मेवे थे ड्राई फ्रूट थे तो मैंने डाल दिए, साथ 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 के साथ चीनी डाल दी इसमें मीठा, और थोड़ा सा आधा पानी का चम्मच मैंने वो डाला है नमक डाले, क्योंकि मैं मीठे में थोड़ा सा नमक डाल दें तो बैलेंस इसका ठीक हो जाता है। बस ये अब लगता तो ऐसे ही कि डन होने वाला है, मगर फिर भी इसमें कमी होती है, ये सिर्फ दूध में पका है, कोई मैंने ऐसे जिसमें पानी नहीं डाला। अच्छे से जो इसकी होती है खुशबू, छोटी इलायची की खुशबू होती है बहुत ही लाजवाब होती है। ये देखिए जी मेरे बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही है नेचुरल आवाजें हैं, बारह मसाले वाले आलू चने। पता क्या है जी, मैं कहती हूँ कि वीडियो बनाती हूँ जब भी बनाऊँ कि शोर ना हो, कोई शोर ना हो, मगर फिर भी शोर हो जाता है, बाहर से कोई ना कोई आ जाता है, कभी कोई बेचने आ जाता है, कभी हर किस्म की आवाजें आती हैं, तो मैं कहती हूँ रात के टाइम और वॉइस ओवर कर लेती हूँ तो रात को वो आ जाता है गर्मांडे, रात को वो भाई जी शोर डालने लग जाते हैं, तो फिर मैं हंसती हूँ कि किस टाइम में वॉइस ओवर करूँ। ये कहती हैं ये जिंदगी का हिस्सा है, इनको क्या इग्नोर करना। उक्का मुक्का खामोशी भी नहीं चंगी होंगी। हमें कह रही है क्या बोल रही हो, हाँ जी पंजाबी हैं, थोड़ी सी पंजाबी तो फिर इसमें करनी पड़ती है। माशाल्लाह से अब जी मैं दूसरी तरफ इसको थोड़ा सा ढक के जो मेरी गोभी है उसका भी हाल अहवाल पूछ के देंगे और मैं हलवा को चेक कर दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी घी, घी डालूंगी और जो मेरे पास ड्राई मिल्क है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हाँ जी है ना, उसका जो मजा टेस्ट है ना वो फिर घी डाल दिया, नहीं मिलता इसमें डालूंगी ये ड्राई मिल्क डाल दिया। ये बच्चों को जी ड्राई मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये मैंने 2 पैकेट इसमें कुछ दूध के डाले हैं, तो 1 kg लिक्विड फॉर्म में डाला था और ये 2 पैकेट जो है कुछ दूध के डाल के। आप इसे किस्से डालो, काजू डालो, जो भी आपके पास चीजें हैं आप सब कुछ डालो इसमें जो आपका दिल है जी। ये रेसिपी आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है, तो मैं फिर से कह रही हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे चैनल पर नया आया है भाई बहन, सब मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा
ये ले जी, ये हलवा हो गया डन। तो इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी हमारी लाइट हो गई ऑफ, तो ये टॉर्च छोटी जला के मैं देखिए इसमें घी छोड़ दिया। ये ले जी, ये हलवा हो गया रेडी, जितना मज़े का बना है। लाइट ऑफ होने की वजह से कोई इसकी लुक नहीं ठीक आ रही। बहुत ही मज़े का बना है, झटपट बन जाता है। झटपट तो नहीं बनता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये रेसिपी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सबके व्यूअर्स बोलाना। और जी इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।